देखे हैं गोपेश्वर महादेव वृंदावन का मंदिर, जहाँ पे भगवान महादेव को औरत की तरह सजाया जाता है। दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिस जहाँ पे भगवान शिव को औरत की तरह सजाया जाता है। एक बार वृंदावन में जब रासलीला हो रहा था निधिवन में, तब भगवान शिव सोचे थे कि मैं भी आज रासलीला देखने चलता हूँ। तो वहाँ पे वो गए तो वहाँ पे गोपियों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। तब गोपी एक गोपी थी जो उन्हें बताया कि आपको निधिवन में अंदर जाने के लिए आपको औरत का रूप धारण करना पड़ेगा। तब वो भगवान शिव औरत का रूप धारण करके गोपी बन के अंदर गए थे और रासलीला देखे थे। आप ये देख, तब से भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को वृंदावन में स्थापित कर दिए थे। आप ये देख सकते हैं, जब मैं हम लोग मंदिर गया तो मंदिर की सफाई चल रही थी। ये शिवलिंग है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया था। आपको ओरिजिनल शिवलिंग दिखाया था, हम लोग को दर्शन करने दिया गया था। उस समय मंदिर का साफ सफाई चल रहा था, फिर भी हम लोग दर्शन किए। यहाँ पे भगवान शिव को औरत की तरह सजाया था, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं कात्यायनी मंदिर वृंदावन में, जहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि भगवान शिव ने सती के जब 51 खंड किए थे तो उसमें से एक खंड यहाँ पे भी गिरा हुआ था सती का। सती के यहाँ पे केस गिरे हुए थे, चूड़ामणि जिसे केस बोलते हैं, वो यहाँ पे सती का गिरा हुआ था। ये एक 51 शक्तिपीठ में से एक है, इसे कात्यायनी पीठ के नाम से जाना जाता है। ये वृंदावन में काफ़ी मशहूर है, आप देख सकते हैं। हम लोग जब दोपहर को यहाँ पे गए थे तो मंदिर का कपाट गेट बंद था, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट किए कि हम लोग को थोड़ा अंदर जाने दीजिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग को अंदर जाने दिया गया। हालांकि माता का पट बंद था, लेकिन फिर भी हम अंदर जाके थोड़ा फोटो वोटो खींच लिए थे, आप देख सकते हैं। श्री कात्यायनी पीठ वृंदावन, यहाँ पे लिखा हुआ 51 पीठों में से एक पीठ है। यहाँ पे भगवती देवी के केस गिरे थे, इसी कारण इसे कात्यायनी पीठ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर के बाहर का सीन, काफी बड़ा एरिया है मंदिर का। यहाँ पे दुर्गा पूजा भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग मंदिर के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं अंदर, जहाँ पे भगवती की मूर्ति रखी हुई है। अंदर हम लोग आ चुके हैं, ऋषान शेर के साथ खेल रहा है। ये सारे मंदिर के अंदर के सीन है। देखते हैं, मंदिर अभी खाली खाली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। दोपहर को ये मंदिर बंद किया कर दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग भगवती का थोड़ा दर्शन किए थे, माँ भगवती का। देख सकते हैं यहाँ पे माँ भगवती स्थापित की हुई है। ये माता का मूर्ति है। अब हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं, हम लोग को भूख काफ़ी लग गई थी, हम लोग अब खाना खाने निकल पड़े थे। सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हम लोग भर पेट यहाँ पे खाना खा लिए। अब हम लोग निकल पड़े गोवर्धन पर्वत की तरफ। हम लोग यहाँ पे अभी काफ़ी सारा मंदिर घूम लिए, अब जो है तो गोवर्धन के रास्ते में हम लोग हैं। अब गोवर्धन पर्वत जा रहे हैं हम लोग, गोवर्धन पहाड़। अभी वृंदावन में अभी बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, गोपेश्वरनाथ मंदिर, कात्यायनी मंदिर, प्रेम मंदिर भी देख लिया, लेकिन प्रेम मंदिर का पट बनता तो बाहर से ही उसके कुछ फोटो क्लिक कर लिए थे। अब गोवर्धन पर्वत की ओर जा रहे हैं। देख, हमारे साथ जो इतने यात्री सब जो बैठे हुए हैं घर के, वो सब थक चुके हैं, लेकिन फिर भी घूमने में इन लोगों को मजा आ रहा है। बोलते हैं चलते हैं दिल्ली, तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी और जाना है। मतलब इन लोगों को तो कोई काम नहीं है, खाली खाए और ऑर्डर दिए, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जिनको ले जाना है उनको पता चल रहा है कि गाड़ी चलाने में कितना मेहनत पड़ता है। ये लोग तो आराम से बैठे पड़े हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं, ये गाजियाबाद से दिल्ली होते हुए फरीदाबाद आए, अब वृंदावन घुमा के
अब इन लोगों का फरमाइश है, ये पीछे जो बैठे हुए सब इन लोगों का फरमाइश है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अब गोवर्धन पर्वत की तरफ हम लोग निकल चुके हैं, जाएंगे तो आप नहीं जाएंगे। गोवर्धन पर्वत के पास ही कुसुम सरोवर है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी चोरी चोरी मिलते थे। यही है कुसुम सरोवर है। ये सरोवर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चारों तरफ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ नजर आएंगे और ये सरोवर 60 फीट गहरा भी है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पे मिलते थे। यही कुसुम सरोवर है। तो हम लोग पहुँच गए हैं गोवर्धन पर्वत। यहाँ पे कुछ मंदिर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पहाड़ भी है, गोवर्धन पहाड़। आप लोग को पता होगा कि जब भगवान गोवर्धन मंदिर श्री कृष्ण यहाँ पे गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, जब काफ़ी बारिश हुई थी और बाढ़ आ गई थी और गांव वाले परेशान थे, तो भगवान श्री कृष्ण पूरा पर्वत उठाकर गांव वालों की रक्षा किए थे। सारे गांव वाले पहाड़ के नीचे थे और भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पे पहाड़ उठाए हुए थे। यही वो जगह है, यहाँ पे 7 कोस की परिक्रमा की जाती है, यानी 7 कोस यानी 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर की परिक्रमा की जाती है। लोग यहाँ पे भक्ति भाव से आते हैं और 21 किलोमीटर तक पूरा गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाते हैं। यह परिक्रमा पैदल ही की जाती है, कई लोग तो दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करते हैं। ये मैं गोवर्धन पहाड़ पे थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता हूँ लेकिन थोड़ा ऊपर हूँ। आपको नज़ारा दिखा देता हूँ ये गोवर्धन पहाड़ का कि कैसा है। ये गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पे मैं इधर से पीछे से निकल के गोवर्धन पर्वत में पीछे तक चला गया था, काफ़ी आगे तक पर्वत पे चला गया था। वैसे इधर से जाना अलाउ नहीं है, पता नहीं कैसे किधर से लोग जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर से मैं चला गया था, काफ़ी आगे तक निकल गया था, लेकिन बाद में फिर लोगों ने मुझे मना कर दिया और डांट भी खानी पड़ी कि क्यों चला गया, फिर मैं वापस इधर आ गया। अब देख सकते हैं गोवर्धन पहाड़ का नज़ारा। ये गोवर्धन पहाड़ है, ये वृंदावन से 22-23 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले गोवर्धन पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था, इसकी ऊंचाई 30,000 मीटर से भी ज़्यादा थी और आज के डेट में लगभग 30 मीटर ही रह गया है। ये जब भगवान श्री कृष्ण उसे उठाए थे उस समय ये 30,000 मीटर तक ऊंचा था और ये सूर्य को प्रकाश को भी रोक लेता था, इतने बड़े पर्वत थे ये। लेकिन ऋषि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के द्वारा ये डेली तिल तिल भर घटता जा रहा है और माना जा रहा है कि कलयुग के अंत तक यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसे ऋषि पुलत्स्य ऋषि ने श्राप दिया था कि डेली तिल तिल भर ये कम होता जाएगा और तब से ये 30,000 मीटर से आज ये 30 मीटर तक ही रह गया है ऊंचाई। अब देख सकते हैं, अब हम लोग गोवर्धन पर्वत घूम के जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा गोवर्धन पर्वत है और वो उधर साइड में गोवर्धन बाबा का मंदिर है। अब हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। दीदी हाँ, जय श्री राधे, जय श्री राधे, खुश रहो। श्री राधे, जय श्री राधे, भगवान सद्बुद्धि दे, माँ के बिहारी सद्बुद्धि दे। और आपको आपको ये लास्ट है क्या? राधा रमन की जय, माँ के बिहारी। अच्छा, प्रेम मंदिर। अब हम लोग प्रेम मंदिर जा रहे हैं। चलो with the